नमस्ते फ्रेंड्स, मैं सीमा प्रिया बहुत दिन बाद आपके पास आई हूँ और मेरा चेहरा देखकर आपको पता चल रहा है तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं है क्योंकि गले में बहुत दर्द हो रहा है यहाँ पे, तो कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए कोई ब्लॉग नहीं, कोई रेसिपी नहीं बनाने का मन कर रहा है। लेकिन बहुत दिन मैंने 11 दिन हो गए, मैं सोशल मीडिया में बहुत सारी खबरें मैं नोटिस कर रही हूँ। वो क्या है, हमारी इंडियन एक्टर जो है सुशांत सिंह राजपूत, उनका देहांत हो गई है। तो मैं उनके बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। बस मैं तो कोई फॉरेंसिक साइंटिस्ट या कोई भी नहीं हूँ, आम आदमी हूँ। लेकिन आम आदमी होते हुए भी मैं उसको बहुत पसंद करती थी, वो मेरा पसंद का एक एक्टर है। तो उसका ये जो मर्डर और सुसाइड जो भी हो, मैं तो नहीं जानती, लेकिन कुछ क्वेरी मेरा मन ही मन में घूम रहा है। पहले मैं बता दूँ कि ये जो आप एक फिल्म देखा है मेरी तरह, वो तारे ज़मीन पर, वो तारे ज़मीन पर पे चार लाइन थे, वो एक टीचर ने स्टूडेंट ने पूछे थे कि ये जो हम पोइट्री बोल रहे हैं इसका अर्थ बताओ। तो शायद उस कैरेक्टर का नाम थे निशान अवस्थी, ऐसा कुछ नाम था उसका, तो नंद किशोर, हाँ निशान नंद किशोर अवस्थी। तो उन्होंने कहा था कि उस बच्चे ने कि जो दिखता है वो नहीं दिखता है और जो नहीं दिखता है वो दिखता है। तो जो टीचर है वो बहुत ही गुस्से में आकर बोले, क्या नहीं दिखता है, दिखता है बोल रहे हो। लेकिन यही उन्होंने ठीक बोला था कि जो दिखता है वो नहीं दिखता है और जो नहीं दिखता है वो दिखता है। वो क्या है, मैं बता रही हूँ, सोशल मीडिया में वो एक अब बोल सकते हो या मैसेज या जो भी हो आप बोल सकते हो, बोला जा रहा है कि सुशांत सिंह के घर में सीसीटीवी फुटेज 13 जून रात से बंद है। तो ठीक है, 13 जून रात से बंद है, लेकिन 13 जून सुबह तक तो खुला था। जिस दिन से वो बिल्डिंग में लाइव लीक कर रहे थे, उस दिन को दिन से लेकर 13 जून सुबह तक तो सीसीटीवी फुटेज काम कर रहा था। तो उसका जो है उसमें इंफॉर्मेशन, जो उसका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके तो कुछ छानबीन तो कर सकते हैं ना पुलिस लोग, पहले बात तो ये है। और सीसीटीवी फुटेज बंद करने के समय वहाँ से फिंगरप्रिंट प्रिंट जो है वो क्यों कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो रस्सी जो कपड़ा है और कपड़ा का फिंगरप्रिंट कलेक्ट कर रहा है, हर जगह में फिंगरप्रिंट कलेक्ट कर रहा है, लेकिन लास्ट फिंगरप्रिंट वो सीसीटीवी फुटेज का जो मॉनिटर है, जहाँ मेन जो सिग्नल है जहाँ से वो सिग्नल डिसकनेक्शन कर दिया गया था, वहाँ से लास्ट फिंगरप्रिंट किसका है, इसका छानबीन होना ज़रूरी है। मेरा ख्याल में यही है और फर्स्ट पॉइंट यही है। और दूसरा पॉइंट यही है कि देखिए, हर सुबह में ये इंडियन का फैमिली के घर में हाउसकीपिंग का काम होती ही होती है, ठीक है। तो सुशांत सिंह राजपूत जितना भी बड़े सुपरस्टार हो ना हो, उसके घर में हाउसकीपर है। हाउसकीपर का काम क्या है, सुबह सुबह हाउसकीपिंग का काम करना। तो लास्ट वो किस कमरे में काम कर रहे थे, लास्ट एकदम हाउसकीपर किस कमरे में काम कर रहे थे। सुशांत सिंह तो सुबह में 9:30 बजे तक जूस पिया था बाहर में आकर। जब वो बाहर थे घर के अंदर में, क्या उसका हाउसकीपर उसका हाउसकीपिंग का काम कर रहे थे, बिस्तर बना वार्ड बना, बिस्तर का जो समेटना, उसका बाथरूम वॉश करना, ऐसा भी कुछ काम कर रहे थे? अगर जब काम कर रहे थे तो घर में किसी का उपस्थिति उन्होंने महसूस किया है या नहीं, घर में कोई थे या नहीं, या कोई सुराग ऐसा कुछ उन्होंने महसूस किया है या नहीं, वो हाउसकीपर को अच्छी तरह पूछताछ करना चाहिए कि तुमको तुम किस किस को देखा है सुबह में। और क्या होता है ना, वो देखिए 14 जून सुबह में जो जो हो रहे थे सुशांत जी के घर में, और जिस दिन से वो बिल्डिंग में रह रहे थे, जिस दिन से लेकर 14 जून सुबह तक, तो सुबह में क्या क्या होता है हर घर में, जो जो हो रहे थे वही एकदम सिंपल सा वही सा रूटीन क्या 14 जून सुबह में भी चल रहा था, बिल्कुल वैसा ही नॉर्मल सा रूटीन, ये पूछताछ करना ज़रूरी है मेरे ख्याल से है। और तीसरा पॉइंट यही है कि देखिए, महाराष्ट्र का पुलिस का काम सिर्फ यही नहीं है कि सुशांत सिंह जी का मर्डर केस या सुसाइड केस को छानबीन करे, उनका बहुत सारी काम होती है, ठीक है। अगर कोई एकदम स्पेसिफिक कोई गैंग को या असेंबली को ये काम सौंपा जाए तो अच्छा होता है, जैसे सीबीआई को अगर ये केस दिया जाए, सिर्फ सीबीआई इसी केस को लेकर छानबीन करेंगे, पुलिस के पास ऐसा मतलब एक मर्डर केस सॉल्व करने के लिए या सुसाइड केस छानबीन करने के लिए जितना आप बोल सकते हो जितना नीडेड गैजेट का इस्तेमाल होती है, जिस चीज़ का इस्तेमाल होती है छानबीन करने के लिए, पूरा एकदम गैजेट उनके पास नहीं होता है पुलिस के पास, लेकिन सीबीआई के पास होता है। सीबीआई के पास हर अटैचमेंट होता है एक मर्डर केस या सुसाइड केस सॉल्व करने के लिए। तो मेरा ख्याल से सीबीआई के हाथ में ये केस सौंपा जाए, ठीक है। अगर मैं एक डस्टिंग वाला रखूँ मेरे घर के पूरा डस्टिंग करने के लिए,
तो उसका काम सिर्फ डस्टिंग करना ही होगा, ठीक है, तो वो अच्छे तरह मन लगाकर डस्टिंग ही करेंगे और दूसरा कोई काम नहीं करेंगे। इसके इससे क्या होता है, मेरा घर अच्छी तरह साफ़ सुथरा रहेगा। अगर मैं उसको कहूँ कि तुमको हर महीने में 3,000 रुपया दूँगी, तुम डस्टिंग करना, तुम कुकिंग करना, तुम मार्केटिंग करना, तुम ये करना वो करना, वो अच्छी तरह मन लगाकर नहीं काम करेंगे। तो यही कहना है कि CBI को ये केस सौंपा जाए जिसका काम होता है सिर्फ ये केस को शॉर्ट आउट करना, ठीक है। तो यही है, और 14 पॉइंट यही है कि पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में बोला जा रहा है कि सुशांत सिंह जी सुबह में कोई अल्कोहल नहीं लिया था और 13 जून रात में भी उसके शरीर में कोई अल्कोहल नहीं मिला है। लेकिन हाँ, यही क्या कहे जाए, वो कह रहे थे कि पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में कि उसके शरीर में जो फल का जूस जो पिया था, उस जूस को टेस्ट करके ये बताया गया उसके फल शरीर में मिला जो फल का जूस है उसमें बेहोशी का दवाई मिला है या नहीं, अल्कोहल है या नहीं, वो उन्होंने छानबीन किया है। लेकिन फलों का रस का रस के अंदर बेहोशी का दवाई मिला है या नहीं, ये क्या छानबीन किया है फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जो जहाँ पे पोस्टमार्टम हुआ था, ये सवाल उठता है। फिर बोला जा रहा है कि डुप्लीकेट चाबी नहीं है। देखिए, डुप्लीकेट चाबी नहीं है, इसके मतलब दो हो सकती है। एक तो वो सुशांत सिंह जी जिस घर में रह रहे थे उसका एक सिंगल चाबी होता है, ठीक है, उसी रूम का सिर्फ सिंगल चाबी होता है, उसका डुप्लीकेट चाबी नहीं मिल रहा है, या पूरा बिल्डिंग का जो चाबी होता है एक रिंग में होता है उसका डुप्लीकेट चाबी नहीं मिल रहा है। तो डुप्लीकेट चाबी नहीं मिल रहा है, ओरिजिनल तो मिल रहा है ना, यही नहीं बोला जा रहा है। और मिसिंग है, कब से मिसिंग है डुप्लीकेट चाबी, मिसिंग है कब से मिसिंग है, किसने लास्ट दिन तक देखा है वो डुप्लीकेट चाबी को, कहाँ देखा है, ये भी छानबीन करना ज़रूरी है, ठीक है। और क्या है, हाँ, बोला जा रहा है कि रेहा चक्रवर्ती जहाँ सुशांत सिंह जी के घर से निकलकर अपने घर में जाकर सोशल मीडिया में वो इंस्टाग्राम में जितना भी फोटो थे सुशांत सिंह जी के साथ वो सब डिलीट कर दिया है। अरे बाप रे, डिलीट, अगर उन्होंने छवि डिलीट किया है ठीक है, लेकिन उसका जो कॉल रिकॉर्ड है, कॉल रिकॉर्ड तो डिलीट नहीं किया है ना, उनको पता है वो लड़की इतना अगर चलाक होगी, अगर छवि उसको डिलीट कर सकता है तो कॉल रिकॉर्ड को भी तो डिलीट कर सकता है। कॉल रिकॉर्ड थे, कॉल रिकॉर्डिंग में, कॉल लिस्ट में उसका कॉल नंबर थे, लेकिन छवि डिलीट किया है। ये पॉइंट को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, क्यों, सबको पता है जो डिलीट करता है ना, अगर इस केस में जब छानबीन होगी उसको भी पता चलेगा क्या छवि डिलीट किया है, क्या छवि डिलीट नहीं किया है, उसको पता चल जाएगा। तो छवि डिलीट करने से मर्डर का क्या रिलेशन है, ठीक है। और हाँ, बार बार बोला जा रहा है थंबनेल में एक राइटिंग आ रहा है, क्या टाइटल में राइटिंग आ रहा है, बंगाली औरत ने उसको धोखा दिया, बंगाली औरत ने उसको मर्डर किया, बंगाली औरत ने महेश जी भट्ट के साथ साजिश की है और उसको मर्डर में वो है, उसका हाथ है। बंगाली औरत या बंगाली औरत सबको क्या खून करते हैं, हाँ सिर्फ ये औरत ने ये किया है, ये बोल सकते हैं बंगाली औरत ने किया है। अगर वो बंगाली औरत नहीं होकर कोई नॉन बंगाली औरत होती तो क्या यही वो वहाँ पे राइटिंग होती, नॉन बंगाली औरत ने किया है, महाराष्ट्रियन औरत ने किया है, ये गुजराती औरत ने किया है, ये तो लिखना ज़रूरत नहीं पड़ता। ये क्या सको कैसे कंटेंट बनाते हैं सब लोग, बंगाली औरत ने किया है। हाँ, अगर पता चले, प्रूफ हो रेहा चक्रवर्ती ने ये किया है, बंगाली औरत ने किया है, बंगाली में ये हाईलाइट क्यों किया जा रहा है। इसलिए मैंने कहा जो दिखाई देता है वो नहीं दिखता है, और जो नहीं दिखता है वो दिखता है, ठीक है। इसलिए मैंने मेरे जो ये बयान है, बयान शुरू करने से पहले ही मैंने ये कह दिया है, ठीक है। महेश भाट जी ने कहा था कि सुशांत सिंह डिप्रेशन में है, एक दिन आएगा वो खुदकुशी कर लेगी, ठीक है, वो एकदम पागल है। सुशांत जी ने कि रेहा चक्रवर्ती से कहा था कि तुम अगर मेरा जीवन में अटैच रहोगे तो एक दिन मैं खून हो जा सकती हूँ। तो कितने दिन पहले और बाद में ये बातें एक दूसरे के से कह रहा था ये जानना ज़रूरत है, ठीक है। तो जो भी है ये पुलिस को समझ में नहीं आएगा, ठीक है, पुलिस के पास इतना सब कुछ अटैचमेंट नहीं है ये केस सॉल्व आउट करने के लिए, इसके लिए CBI जांच ज़रूरत है, उसके पास सब कुछ होता है। और सुशांत जी का जो है फर्ज, उसको वो उसका जो घ्राण है वो बहुत ही, हम सबको सब जानते हैं जो कुत्ते का घ्राण बहुत ही खतरनाक होती है, तो इस मामले में फर्ज को क्यों इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, फर्ज को इस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए थोड़ा सा तो उसका हेल्प लेना ज़रूरत है, वो भी तो कुछ हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि सुशांत सिंह जी के घर में कौन आते थे, कौन जाते थे, कौन रह रहे थे उसको पता है, तो उसका हेल्प लेना ज़रूरत है, ये मेरे मन में ख्याल आया है। और CBI के पास भी कुत्ते हैं, पुलिस के पास भी कुत्ते हैं, लेकिन कुत्तों को लेकर इस केस में नहीं लाया जा रहा है। आप देखा है सब मनुष्य छानबीन कर रहा है, लेकिन कुत्तों को एक भी टाइम में उस बिल्डिंग के अंदर में नहीं
लेकर आया है, ठीक है, आपने नोटिस किया है क्या? तो यही सब सवाल मेरी मन ही मन में घूम रहे हैं बस, और क्या। मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ जल्द ही जल्द ठीक तरह से लीगली इस केस का सोल्यूशन निकाल आए और खूनी पकड़ जाए, क्योंकि मैं भी यही कहना चाहती हूँ उसका मर्डर हुआ है, ठीक है, खूनी पकड़ा जाए ये मैं भी चाहती हूँ, और CBI जांच ज़रूरी है, बस यही कहना था और कुछ भी नहीं। बस बहुत मन हल्का हुआ क्योंकि 11 दिन से मैं बहुत तड़प रही हूँ इसी केस को लेकर कि ये सब दिखाई दे रही है, ये सब बोला जा रहा है, लेकिन इस बात को लेकर कोई क्यों नहीं कह रही है। CBI जांच होना ज़रूरत है।